दोस्तों, इंडिया एक ऐसा देश जो हम लोग कहते थे कि दुनिया की 1/3 या 1/4 संपत्ति जो इंडिया के पास थी, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत देश पे कब्जा किया, ऐसी क्या चीजें उन्हें अट्रैक्टिव लगी कि वो आए इंडिया में और उन्होंने भारत देश के ऊपर कब्जा कर लिया। कब्जा किया तो किया, कैसे उन्होंने इंडिया को अपना गुलाम बनाया और अपने देश को उन्होंने लूट लिया, तहस नहस कर दिया। ऐसी क्या क्या चीजें उन्होंने अपने से छीनी। ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में आए अगस्त 24, 1757 से बच्चों 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो ट्रेडिंग बिजनेस है ये पूरे इंडिया में उन्होंने फैलाया। बड़े बड़े शहर जैसे मद्रास, कैलकटा, बॉम्बे, यहाँ पे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज जो है इन्होंने एस्टैब्लिश करी। धीरे 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 उनका जो नेटवर्क है वो फैलते गया, पॉलिटिक्स में इंटरफियर करने लगे और उन्होंने अपने भारत देश पे अटैक, हमला बोल दिया और फिर उन्होंने भारत देश पे कब्जा किया। दोस्तों, ये जो अंग्रेजों का जो अपने ऊपर जो तानाशाही थी, जो रूल था, जो हुकूमत थी, हम कहते हैं कि ये 200 साल से ज़्यादा इन्होंने हम पे जो है ना सर ये हुकूमत चलाई। बट इसे हम लोग समझेंगे दो पार्ट। नंबर वन, फ्रॉम 1757 टिल 1858, ये एक पार्ट था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत देश के ऊपर अपना जो हुकूमत है वो चला। फिर रिवोल्ट हुआ 1858 में और ब्रिटिश क्राउन ने वो ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार छीन के ब्रिटिश राज अपने देश पे लागू किया और सन 1858 से लेके 1947 तक इन्होंने अपने पे राज किया। अब इस प्री इंडिपेंडेंस एरा में ऐसी क्या क्या बातें हुई, चलो इसको और थोड़ा विस्तार में समझते हैं। दोस्तों, इंडिया जो ये कंट्री है ना, इट वॉज रिच इन कल्चर, रिच इन वेल्थ, द लार्जेस्ट कंट्री, राइट? आप समझिए इन टर्म्स ऑफ वेल्थ 1/3 और 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ, संपत्ति, इट वॉज विथ इंडिया। इंडिया वॉज सो वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज कि मतलब डिविजन ऑफ लेबर वॉज ऑल्सो पॉसिबल। खैर, उस जमाने में डिविजन ऑफ लेबर जो हुआ करता था वो जात पात, धर्म, जेंडर, इसके बेसिस पे हुआ करता था। बट वी वर वेरी स्मार्ट इनफ, राइट, कि कैसे लोगों में काम बांटा जाए। अपना जो डेवलपमेंट ये कैसा था, अपने गांव, विलेजेस, दे वर सेल्फ सफिशिएंट। हम आत्मनिर्भर तभी से थे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे, ऑक्यूपेशंस तरह तरह के थे, उसके अंदर एग्रीकल्चर वाज द डोमिनेंट ऑक्यूपेशन। आप तो अपनी भारत देश की कलाकृति बराबर, ये तो आप जानते ही हो, ये तो पूरे दुनिया में इट इज लाइक वर्ल्ड फेमस, अपने आर्टिस्ट, अपने क्राफ्ट्समैन जो कलाकृतियां जो बनाते हैं, भाई ये दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारी बातें जो है ना दोस्तों, ये अंग्रेजों को इंडिया की भा गई और फिर उन्होंने अपना जो राज है ये इन्होंने यहाँ पे स्थापित किया। वो इंडिया में आए, कॉलोनी बनाई इंडिया को और फिर यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें करी, मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिश किया, ट्रेडिंग एस्टैब्लिश किया, उसी के साथ साथ इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे जो हम लोग पहले एक्सपोर्ट करते थे उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाए कि जिससे क्या हुआ, इंडिया के प्रोडक्ट बाहर मार्केट में महंगे होने लग गए तो कोई खरीदता नहीं था। बाहर से इंडिया में प्रोडक्ट्स लेके आए बहुत सस्ते में तो यहाँ के लोग उसे खरीदने लग गए और इसलिए आज के तारीख में भी ये जो उनकी नीति है ये हम लोगों में इतनी कूट कूट के भरी है कि हमें लगता है जो बाहर का है वो अच्छा है, जो घर में बनता है वो खराब है। ये उनकी जो सोच है वो आज भी हमें देखने को मिलती है। इस सब का नतीजा क्या हुआ, इंडिया के गुड्स महंगे हो गए, मार्केट में कंपटीशन करने लायक नहीं रहे प्राइस के वजह से, बाहर के प्रोडक्ट आ गए सस्ते में। इस वजह से अपने पुअर इंडियन आर्टिस्ट, क्राफ्ट्समैन, बिजनेसमैन, इनकी तबाही हो गई, उनका डिस्ट्रक्शन हुआ। कैसे लड़े भाई, तो जो सबसे बड़ा जो डेंट इन्होंने अपने को दिया ये इस
पेड़ अब ये डैमेज हो गया। इस डैमेज के वजह से हम लोग अपने आप को वेस्टर्न कल्चर से अपने आप को एसोसिएट करने लग गए। जैसे मैंने कहा आपसे कि वी फोकस मोर ऑन द गुड्स विच आर ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड रादर देन द वंस विच आर डन और प्रोड्यूस्ड इन आर कंट्री। इस वजह से अपना जो इंटरनल बैलेंस है वो हिल गया और वो मौका मिला उन्हें अपने को तोड़ने के लिए, क्योंकि लोग जो है वो फॉरेन प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे, इंडियन प्रोडक्ट्स उन्हें इंफीरियर लगने लग गए। और यहाँ से शुरुआत हो गई इंडियन इकोनॉमी की कोलैप्स की और अंग्रेजों की हुकूमत की क्रोध की। तो क्या क्या डैमेज हुआ आइए देखते हैं। सर, सबसे बड़ी बात जो ये हुई कि यहाँ पे हम लोग जमींदारी सिस्टम अपने पास आए बराबर के लिए। जमींदारी सिस्टम में आप सबको पता ही होगा कि हमें उन्हें लगान देना पड़ता बराबर। तो लैंड टेन्योर जमींदारी सिस्टम क्रिएटेड अ क्लास ऑफ पीपल हुज इंटरेस्ट वर फोकस्ड ऑन परपेचुएटिंग द ब्रिटिश रूल। उन्हें अंग्रेज चाहिए थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे दे रहे थे उन्हें। फिर अब जो अपने बेचारे फार्मर्स थे बराबर, उनके जमीन के ऊपर इतना प्रेशर आया जमींदारी सिस्टम में कि वो लगान पे नहीं कर पाए, तो उस वजह से उन्हें अपनी जमीन देनी पड़ी और खुद की जमीन किराए पे लेनी पड़ी। खुद की जमीन किराए पे लेने के बाद क्या हुआ? सर, हाई रेंट हम लोग पे कर रहे हैं, मतलब दुगना लगान देना पड़ेगा। अब बेचारा फार्मर क्या करेगा, वो ऐसे ही अपनी जमीन खो बैठता था और खुद के ही जमीन पे वो नौकर बन के रह गए। इस वजह से कर्जे में डूब गए। जो मनी लेंडर्स थे ब्याज पे पैसा देने वाले, उनका जन्म हुआ और वो अपने फार्मर्स को और एक्सप्लॉइट करने लग गए। और इस वजह से अपना जो इंडियन एग्रीकल्चर जो अपनी एक जमाने में स्ट्रेंथ हुआ करती थी वो कोलैप्स हो गई। अपने को उन्होंने वहां पे हिट किया। पूरे देश में बेरोजगारी फैल रही है, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बाहर से हम लोग मशीन्स इम्पोर्ट कर रहे हैं सस्ते में। तो भाई बहुत दर्द दिया है, बहुत दर्द दिया। आप सबको पता है कि ये लोग आए थे बिजनेस करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग करने के लिए आई थी, तो ट्रेडिंग करने के लिए इन्होंने इंडिया को एक मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड कॉलोनी बना दी और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, फैक्ट्रीज ये उन्होंने यहाँ पे एस्टैब्लिश करी। तो इस मैन्युफैक्चरिंग के वजह से, इन फैक्ट्रीज के एस्टैब्लिशमेंट के वजह से इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, चलिए इसके ऊपर एक नज़र घुमाते हैं। कि अंग्रेजों आए, ट्रेड किया, फैक्ट्रीज लगाई, तो उसका नतीजा क्या है, लेट्स हैव अ लुक। 19th सेंचुरी में कॉटन मिलिंग का बिजनेस जो है ये काफ़ी तेजी से बढ़ा। इंटरनेशनली हम लोग ने इन 1930s 9 मिलियन स्पिंडल्स हमने बनाए। इसका नतीजा इंडिया वॉज रैंकिंग इन द 5th पोजिशन ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पिंडल्स। जूट मिल्स जो है उनकी डिमांड जो है काफी बढ़ गई। रोप्स के लिए जूट लगता है, डिमांड बढ़ रही थी, तो कलकत्ता में इन्होंने जूट मिल्स को एस्टैब्लिश किया। लार्ज शेयर वॉज विथून इंडिया। इंडिया वॉज रैंक्ड एज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ रॉ जूट कंज्यूम। इसके अलावा ब्रूइंग, पेपर मिलिंग, लेदर मेकिंग, मैचेस, राइस मिलिंग, ये सारी इंडस्ट्रीज भी जो है वो इंडिया में डेवलप हो गई। आयरन इंडस्ट्रीज इन द ईयर 1814 वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश कैपिटल। इंडिया वॉज रैंक एज द 8th लार्जेस्ट आयरन इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड्स आउटपुट। 8वें नंबर पे थे हम। जितना आयरन का आउटपुट जो हो रहा था भारत देश उस पे 8वें नंबर पे था। आप सबको पता होगा कि 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसके पहले इंडिया वॉज रैंक्ड एज द 12th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। 12th लार्जेस्ट, यस। इसमें आपको बता दूं कि जो भी डेवलपमेंट हो रही थी वो कैपिटल गुड्स को लेके था, राइट? प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री इतने कुछ खास लेवल ऑफ एक्सपांशन वहां पे नहीं देखने को मिल रहा था। इंग्लिश प्रोड्यूसर्स इन मैटर्स ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन टू पॉजिटिवली डिस्करेज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज विच वर लाइकली टू कम्पीट विद दोज ऑफ इंग्लिश प्रोड्यूसर्स। उन्होंने कभी भी ऐसे प्रोडक्ट्स को ग्रो करने नहीं दिया जो सीधा इंग्लिश प्रोड्यूसर्स के साथ कॉम्पीट करे।
The share in the net domestic product of the manufacturing sector was barely 7% in the year 1946. 1946 तक दोस्तों ये हाल था। अंग्रेज आए, अपने मतलब की चीजें डेवलप करी, प्रोड्यूस करी, उन्हें एक्सपोर्ट किया, उसके पैसे खुद के जेब में डाल दिए, खुद ही प्रोड्यूस किए, प्रोडक्ट को बेचा और सारा का सारा पैसा जो है ये भारत देश से लूट लिया। फिर इन 1947 15 अगस्त भारत देश को आजादी मिली और अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इन्होंने भारत देश को आगे कैसे लेके जाए इसकी उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी। अगले सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरीके से भारत देश को आजादी मिलने के बाद हमने क्या क्या चीजें हमने डेवलप करने के लिए करी और उस डेवलपमेंट की राह पे कौन से कठिनाइयों को हमें फेस करने को मिला। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। Long years ago, we made a trick with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.